को दिखाता हूँ अपने चैनल पे जा करके, ठीक है वीडियो को दिखाता हूँ। देखिए एक दिन पहले कल अपलोड किया 1200 व्यूज, फिर देखिए यहाँ पर 1500, फिर 1500। दोस्तों ये 1500 हो चुका है लेकिन इससे डबल है YT स्टूडियो में, सब कुछ आपको दिखाता हूँ। देखिए 1400 व्यूज, यानी कि लगातार मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 1400 व्यूज, ये भी 740 है ना, ये भी 1000 क्रॉस कर चुका है। यहाँ पर देखिए ये 1800 है, ये 2000 क्रॉस कर चुका है। देखिए 1300 व्यूज, 1500, कोई भी केस से नीचे नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर सब्सक्राइबर भी इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, यहाँ पर देखिए सारा ग्रीन यहाँ पे हो चुका है। नया नया फ्रेश न्यू चैनल है दोस्तों, और इस चैनल पे हर वीडियो के में जा रहा है और हर वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ, व्यूज पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एनालिटिक्स पे जाता हूँ, देखिए सीधा ग्राफ ऊपर हो चुका है। यहाँ पर मैं व्यूज पे क्लिक करता हूँ और लास्ट 7 डेज का देखते हैं हम लोग। लास्ट 7 डेज में 12000 प्लस व्यूज, ये एक नॉर्मल स्टार्टिंग नया चैनल के लिए लिटरली गाइज बहुत बड़ी बात है। देखिए 12000 व्यूज और 2000 लगभग 3000 मोर व्यूज देन प्रीवियस वीडियो लास्ट 7 डेज। यहाँ पर देखिए अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए इतना ज़्यादा, यहाँ पर देखिए पूरा यहाँ पे ग्रीन साइन हो चुका है, ऊपर में जा रहा है। अब देखिए 48 घंटे में आप लोगों को दिखाता हूँ 10000 से भी ज़्यादा व्यूज लास्ट 48 घंटे में। यहाँ पर देखिए सभी व्यूज, किसी पे 2000, किसी पे 2000, ये सभी 2000 से प्लस है, सभी जा चुका है, सभी के में। और नीचे में जितना भी अपलोड किया हूँ, अभी भी अपलोड करूँगा, सभी दोस्तों के में जाएगा। एंड यही वीडियो दोस्तों लाखों में और मिलियंस में जाएगा, मुझे पता है। आप लोगों को आप दिखाता हूँ लास्ट 60 मिनट का, तो देखिए 500 व्यूज, पूरा कुछ आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूँ। एंड दोस्तों यहाँ पर देखिए लाइव प्रूफ के साथ 500 व्यूज। दोस्तों मुझे एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक पता लगा है, जिससे आप लोग अगर शॉर्ट वीडियोज़ बनाते हो तो आप भी बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि दोस्तों इसी ट्रिक से दोस्तों हर लोग जिनके भी चैनल पर मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहा है, सभी लोग इसी तरीके का यूज़ करके अपने चैनल पर शॉर्ट वीडियो को वायरल कर रहे हैं। और दोस्तों ऐसा किसी ने भी अब तक यूट्यूब पे नहीं बताया, एकदम यूनिक कंटेंट बता रहा हूँ, पूरा स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को पूरा इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ, जबकि मैंने आपको लाइव प्रूफ भी दिखा दिया है। तो दोस्तों मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना, मैं आपको नहीं बोलूँगा लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखना पूरा। एंड लास्ट में अगर आपको फ़ायदा हो, पसंद आए, तभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको फ़ायदा होता है तभी मेरे चैनल को नीचे लाल बटन देख रहे हैं उसे दबा के सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में बेल आइकन है उसे दबा के ऑल में ऊपर वाले ऑप्शन में सेव कीजिएगा, ताकि आपको मेरा वीडियो फ्यूचर में सबसे पहले बिल्कुल फ्री में मिल जाए, क्योंकि मेरा चैनल फ्री है। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वहाँ मैं हर एक बंदे का रिप्लाई देता हूँ, हर एक का हेल्प भी करता हूँ, आप लोग मुझे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सो हाय एवरीवन, दिस इज़ मनीष एंड यू आर वॉचिंग मनीष स्वर्णकार, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो दोस्तों ये मेरा फ्रेश न्यू चैनल है, ठीक है, ये शॉर्ट वीडियो क्रिएट करता हूँ मैं, इसमें व्लॉग्स बनाता हूँ, ठीक है, ये एकदम फ्रेश न्यू चैनल है, जिसपे कि दोस्तों आप लोग देखिए यहाँ पे एनालिटिक्स सबसे पहले मैं खोल के दिखा देता हूँ। खोल के दिखाने के बाद दोस्तों आप लोग देखिए यहाँ पे 22000 से भी ज़्यादा व्यूज़ आया है लास्ट 28 डेज में। ये क्लिक करता हूँ दोस्तों, एक नए चैनल के लिए बहुत ज़्यादा व्यूज होता है ये, 28 दिन भी नहीं, मुझे लगता है 7 दिन में ही इतना आया होगा। देखिए 7 दिन में यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पर 21000 व्यूज 7 दिन में आया है इस नए चैनल पे। दोस्तों 1K व्यूज भी बहुत होता है, लेकिन 22000 व्यूज आया मात्र 7 दिन में। अब देखिए दोस्तों यही नहीं, अब आपको दिखाता हूँ टॉप वीडियोज़। देखिए मेरा शॉर्ट वीडियो कितना वायरल हो रहा है, यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर देखिए कितना वायरल, हर वीडियो के में ऊपर में बहुत ज़्यादा, यहाँ पर देखिए रैंकिंग। अब ये भी हो गया, अब एक और चीज़ दिखाता हूँ रियल टाइम लास्ट 48 घंटे में व्यूज़ कितना है। यहाँ पर देखिए 48 घंटे में दोस्तों 6000 व्यूज़ एक नए चैनल पे आना बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों एक और चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर, दोस्तों मैं इस वीडियो में लाइव प्रूफ वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है, आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे आपको करना है। मान लो मैं ऐसे कट करता हूँ, कट करने के बाद दोस्तों मान लो मैं यूट्यूब में आता हूँ, YouTube में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं एक वीडियो यहाँ पे रखा हूँ अपने फ़ोन में सेव करके, अब उस वीडियो को अपलोड करके दिखाता हूँ, ठीक है, अपलोड करके दोस्तों लाइव प्रूफ आपके सामने मैं व्यूज़ दिखाऊंगा कैसे शॉर्ट वीडियो वायरल होता है। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्रिएट अ शॉर्ट पे क्लिक करके अपलोड कर देते हैं, तो वही आपकी सबसे बड़ी गलती है। अगर आपका 15 सेकंड से नीचे का वीडियो है तभी आप क्रिएट शॉर्ट पे क्लिक करना, मैं यही सजेस्ट करता हूँ। लेकिन दोस्तों शॉर्ट वीडियो 60 सेकंड के नीचे तक का भी बोला जाता है, तो आपको क्या करना है, अपलोड अ वीडियो पे सेकंड वाले पे क्लिक करना है अगर आपका 15 सेकंड से ऊपर में वीडियो है। इतना क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं नीचे में एक वीडियो रखा हूँ, ये वाला दिखाता हूँ आप लोगों को, ये वाला वीडियो, ये क्लिक करता हूँ मैं। देखिए दोस्तों अब इस वीडियो को मैं दोस्तों आपके सामने अपलोड करके दिखाऊंगी। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, सबसे पहले क्लिक करने के बाद दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया हूँ। क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे ऐसे क्लिक करना है,
ये एकदम फ्रेश न्यूज चैनल है, लाइव एक्सपेरिमेंट में आपको करके यहाँ पे प्रूफ दिखा रहा हूँ, वीडियो वायरल होता है जैसे कि मैंने आपको प्रूफ दिया। यहाँ पर देखिए कैप्शन में यहाँ पे आपको देना होता है, यहाँ पर देखिए सब कुछ यहाँ पे खुल के आया। तो मैं आपको सबसे पहला बताता हूँ, यहाँ पर देखिए विजिबिलिटी पे आपको क्लिक करके यहाँ पे आपको टाइटल नहीं देना है, विजिबिलिटी पे आपको ऐसे पब्लिक होगा, ठीक है, ऐसे देखिए ऐसे पब्लिक होगा तो आपको क्या करना है, विजिबिलिटी पे क्लिक करना है और यहाँ पे अनलिस्टेड या फिर प्राइवेट कर देना है, अनलिस्टेड सही है, अनलिस्टेड कर देना। अनलिस्टेड करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए सिलेक्ट ऑडियंस का ऑप्शन दिया है, ठीक है। अब सिलेक्ट ऑडियंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ भी सिलेक्ट नहीं हुआ होगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए एज रिस्ट्रिक्शन में ऐसे क्लिक करना है नीचे में और यहाँ भी नो क्लिक कर देना है। नो क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सीधा इस शॉर्ट को अपलोड कर देना है। अभी टाइटल बिल्कुल नहीं देना है, मैं आपको सब कुछ समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। देखिए अभी एक वीडियो अपलोड हो रहा है, यहाँ पर देखिए अब साथ में एक और वीडियो अपलोड कर देना है, ये अपलोड हो रहा है इसके साथ में ही एक और वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। यहाँ पर देखिए वही वीडियो, सेम वीडियो जो मैंने अभी अपलोड किया। देखिए दोस्तों यही ट्रिक होता है और ये ट्रिक किसी को भी नहीं पता है, लाइव प्रूफ एकदम यूनिक कंटेंट लेके आया हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पे फिर से क्लिक करता हूँ और जैसा सेम प्रोसेस हम लोगों ने किया है वीडियो को प्राइवेट या फिर अनलिस्टेड पे क्लिक करके यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, प्राइवेट या फिर अनलिस्टेड पे कोई पे सेट रखना है और यहाँ पे इस वीडियो में कोई सेटिंग वेटिंग नहीं करना है, इसको सीधा अपलोड करना है, इसमें कोई सिलेक्ट ऑडियंस ऑडियंस नहीं करेंगे, सीधा अपलोड करेंगे, ठीक है। अब देखिए ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर देखिए ये वीडियो है किसका, आपको दिखाता हूँ, वीडियो दोनों को दोनों ही अपलोड हो रहा है यहाँ पर देखिए, और देख सकते हैं दोस्तों इसी एक्सपेरिमेंट से यहाँ पर देखिए 1200 1800 1300 1700 हर वीडियो को वायरल कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एक नए चैनल पर जिसपे कि अभी अभी तो दोस्तों 300 था, आज के टाइम में 400 प्लस हो चुका है, 100 सब्सक्राइबर्स तो दोस्तों ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पर देखिए हमारा वीडियो जो है अपलोड हो चुका है, अब हमारा यहाँ पे काम यहाँ से जो है हमारा काम स्टार्ट होता है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए ऊपर में दो वीडियो जो हम लोगों ने अभी अपलोड किया एक मिनट पहले 22 सेकंड पहले आप लोग देखिए। अब सीधा जाना है कहाँ, अपने YT स्टूडियो में, YT स्टूडियो में आता हूँ दोस्तों और कंटेंट पे ऐसे क्लिक करता हूँ। कंटेंट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ऐसे रिफ्रेश करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ, रिफ्रेश पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हम लोगों ने शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है तो शॉर्ट वाले सेक्शन में है, यहाँ पर देखिए ऊपर में दो वीडियो है, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, एक वीडियो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर वाला वीडियो क्लिक करते हैं। ऊपर वाला वीडियो दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिखाता हूँ, आप लोग बहुत बार देखते होंगे कि कोई कोई वीडियो में कुछ भी नहीं होता, डिस्क्रिप्शन टैग वैग कुछ नहीं होता, वो भी वीडियो मिलियंस में जाता है, बहुत ज़्यादा वायरल होता है, तो वो सारा कुछ यहाँ पर ट्रिक में पूरा ओपनली बात करने वाला हूँ, कोई नहीं बताता है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए पेंसिल वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है और ये शॉर्ट वीडियो है, देखिए पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन इसमें लगाना है और एकदम डिस्क्रिप्शन तगड़ा रखिएगा, जो भी जैसा कि मैं आपको बता दूँ ये मनी मिराज का वीडियो है। तो आप क्या करना है, सबसे पहले गूगल के क्रोम ब्राउज़र पे आना है, गूगल के क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको एक यहाँ पे जो है वेबसाइट मिलेगा ये वाला, सॉरी यहाँ पर जाता हूँ गूगल के क्रोम ब्राउज़र पर, यहाँ पर रैपिड टैक्स का ऑप्शन मिलता है, इस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च करना है यहाँ पर मनी मिराज, ठीक है, मनी मिराज कॉमेडी ऐसे करके कुछ भी सर्च करना है, दिखाता हूँ आप लोगों को, मनी मिराज कॉमेडी करके आपको ऐसे मनी मिराज कॉमेडी या फिर मनी मिराज टिकटॉक वीडियो हमारा है तो टिकटॉक ऐसे करके सर्च करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे जो वायरल टैग्स हैं जिससे वीडियो वायरल होता है सभी आ जाएगा, तो एक क्लिक में इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आना है और डिस्क्रिप्शन में आने के बाद इसको क्या करना है, एक बार पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको एक चीज़ और करना है, यहाँ पे फिर से मैं एक चीज़ पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, देखिए दोस्तों जिससे कि आपके वीडियो में कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक वो सब नहीं आएगा, यहाँ पर देखिए मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, तो ये डिस्क्लेमर भी आपको दे देना है एंड आपको कुछ इमोजी थैंक्स फॉर वॉचिंग ये सारा कुछ दे देना है एंड जो वायरल टैग्स है वो मैंने यहाँ पर लगा दिया जैसा कि मैंने कॉपी किया था, ठीक है। अब दोस्तों ये तो हो गया हमारा 50% काम, ठीक है, एक वीडियो का सिर्फ, अभी आपको बताता हूँ कैसे वायरल होता है। अब देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर एक बढ़िया टाइटल देना है, जैसा कि ये मनी मिराज का टिकटॉक है तो मनी मिराज मैं लिख देता हूँ मनी मिराज एंड फटाफट लिख के आपको दिखाता हूँ कैसे टाइटल में लिखता हूँ। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टाइटल दे दिया है, अब यहाँ पर जो सीक्रेट चीज़ें वो बता देता हूँ। अब देखिए दोस्तों टाइटल के जो फर्स्ट ये कॉलम है, फर्स्ट वाला लाइन, इस लाइन पर दोस्तों आपको यहाँ पर पूरा लिखना है वीडियो का जो वीडियो में है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों शॉर्ट वीडियो जब आता है हमारे सामने तो जो फर्स्ट का लाइन होता है वही दिखता है, तो इसमें कुछ ऐसा आपको लिखना है जिससे लोगों को समझ में आ जाए कि वीडियो के अंदर क्या मिलेगा, ठीक है। तो जैसा कि मनी मिराज टिकटॉक है और यहाँ पे मैंने लिखा है कॉमेडी वीडियो, तो लोग देखते ही समझ जाएंगे, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइटल में एक हैशटैग देना है जिसका है शॉर्ट। अब इस पूरा
टाइटल को ऐसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे लॉन्ग वीडियो को अपलोड करते हैं, शॉर्ट वीडियो को ऐसे ही अपलोड कर देते हैं, लेकिन लॉन्ग वीडियो जैसे SEO किया जाता है, शॉर्ट वीडियो में भी किया जाता है। यहाँ पर देखिए, मैं टाइटल आप क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर में टाइटल को पेस्ट करना है, जैसे हम लोगों ने कमेंट किया था, पेस्ट कर देना है। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद दोस्तों हमारा तो इतना हो चुका है। अब दोस्तों इसको बैक करके यहाँ पर देखिए, अब नीचे में देखिए दोस्तों, यहाँ पर सेलेक्ट ऑडियंस का ऑप्शन है, तो सेलेक्ट ऑडियंस पर ऐसे क्लिक करके, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ऐसे नो कर देना है, ठीक है। नो करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, एज रिस्ट्रिक्शन में यहाँ पर देखिए दोस्तों, दोनों ही नो कर देना है, ठीक है, तो इसको कर देना है। उसके बाद दोस्तों नीचे में देखिए टैग का एक ऑप्शन है, टैग पे जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मनी मिराज कॉमेडी, मनी मिराज फनी वीडियो, टिकटॉक वीडियो, मनी मिराज, ऐसे करके 10 से 15 टैग्स देना है, जो कि मैं फटाफट से दे देता हूँ, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा, तब आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर फटाफट से टैग्स दे दिया है। अब ऐसे ही करके दोस्तों, जो हमने कीवर्ड डाला है डिस्क्रिप्शन में, वहीं से कॉपी कर करके 10 से 15 डाल देना है, ठीक है, जैसे कि मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पर देखिए कैटेगरी का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे कुछ अलग होगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करके क्या करना है, आपका कैटेगरी जो भी है उस टाइप का कैटेगरी यहाँ पर दे देना है, ठीक है। यहाँ जैसे कि मैं कॉमेडी क्लिक कर देता हूँ, मनी मिराज का जैसे कि कॉमेडी वीडियो है, तो कॉमेडी क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सारा कुछ देख लेना, सब सही है, तो यहाँ पर विजिबिलिटी पे क्लिक करके दोस्तों आपको सेट एज प्रीमियर पे अपलोड करना है। ध्यान रखना, पब्लिक से मैं अपलोड नहीं करना अपना शॉर्ट वीडियो, सेट एज प्रीमियर पे अपलोड करना, जो मैं आपको लाइव ऐसे पब्लिक करके दिखा रहा हूँ। देखिए लाइव पब्लिक करता हूँ, देखिए दोस्तों अभी एक वीडियो का काम हुआ है, देखिए ये पब्लिक हो रहा है, होते होते दोस्तों दूसरा वीडियो को पकड़ लेना है फटाफट से। पकड़ने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसको ऐसे इरेज करना है, और यहाँ पे जो हमने अभी कॉपी किया था टाइटल, उस टाइटल को दोस्तों हमने टाइटल यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ना ही डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, और ना ही दोस्तों टैग लगाएंगे, और कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पे कैटेगरी हम लोग कॉमेडी ऐसे डाल देंगे, और कुछ भी नहीं सेट करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक कर देंगे, उसको प्रीमियर करना है, इसको पब्लिक करना है, सेम वीडियो को। लिटरली गाइज 90% से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता है कि YouTube का एल्गोरिदम ऐसा ही काम करता है। शॉर्ट वीडियो आपको एक वीडियो दो दो बार अपलोड करना पड़ता है, जिससे उसमें से एक वीडियो वायरल हो जाएगा, एक रुक जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको सीधा पब्लिक कर देना है। अब मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ, देखिए ये वीडियो पब्लिक हुआ और वो वीडियो प्रीमियर हुआ, लाइव प्रूफ देखिए दोस्तों। YouTube का ये एल्गोरिदम ही है दोस्तों, एक वीडियो को दो बार अपलोड कीजिएगा तभी एक वीडियो उसमें से वायरल होगा। तो देखिए मैं यहाँ पर अपलोड कर दिया हूँ। अपलोड करने के बाद दोस्तों ऐसे रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ व्यूज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए ये तो अभी प्रीमियर हो रहा है और एक अपलोड हो चुका है, तो आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाता हूँ, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए, जो वीडियो प्रीमियर हम लोग ने किया है पूरा SEO करके, उस वीडियो में एक लाइक आ चुका है, यानी कि एक व्यूज़ वहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। तो यानी कि इस पर व्यूज़ आया है, क्योंकि इस पर एक लाइक मिला है। यहाँ पर देखिए ये वीडियो जो है हम लोगों ने प्रीमियर किया था, तो इस पर एक व्यूज़ आया है, एक लाइक आया है। अभी यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, यहाँ पर आप लोग देखिए एक लाइक आया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रीमियर वाला पे। लेकिन दोस्तों जो हम लोगों ने डायरेक्ट पब्लिक किया उस पर अभी व्यूज़ नहीं है, तो दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना है। जैसा कि दोस्तों एक वीडियो इसमें से चल जाएगा, ये लाइव प्रूफ गारंटी के साथ मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, जो कि लाइव प्रूफ आप लोग देख सकते हैं, 7 दिन में 22,000 व्यूज़ एक नए चैनल पर, तो आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों आप लोग। तो दोस्तों आपको थोड़ा वेट करना है, ऑटोमेटिक क्या करना है मैं ट्रिक बता देता हूँ, 5-6 घंटा या फिर 24 घंटा दोनों ही वीडियो को रखना है। दोनों वीडियो में से अगर कोई एक वीडियो चल जाए तो दूसरा वीडियो जो कम चला है, जिस पे व्यूज़ नहीं आए, उसको डिलीट कर देना है, इस वीडियो को रखना है। ऐसे ही प्रोसेस आपको लगातार कुछ दिन तक करना है, ऑटोमेटिक आपका चैनल पर बहुत ज़्यादा शॉर्ट वीडियो वायरल होने लगेगा। तो दोस्तों होने के बाद आप सब कुछ कर सकते हो, आपको पता ही होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना दोस्तों। मिलता हूँ आपके साथ कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।